नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए डिजाइन गाइडलाइंस फॉर सैंड कास्टिंग, प्रोडक्ट डिजाइन में डिजाइन गाइडलाइंस फॉर सैंड कास्टिंग क्या है, यह क्वेश्चन अभी 2022 एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, डिजाइन गाइडलाइंस फॉर सैंड कास्टिंग, तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो द रॉन्ग कास्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉल्टी कास्टिंग कंपोनेंट्स। यदि हमारी जो कास्टिंग की डिजाइन है, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी भी पार्ट की कास्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले उसकी डिजाइन बनाई जाती है, उसकी ड्राइंग बनाई जाती है। उस ड्राइंग के आधार पर हम डायमेंशंस वगैरह लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कैविटी को प्रिपेयर करते हैं। तो यदि हमारी डिजाइन ही यदि गलत होगी, डिजाइन रॉन्ग होगी, तो नॉर्मल सी बात है, जो भी प्रोडक्ट हम कास्टिंग प्रक्रिया से बना रहे हैं, वो भी हमारा क्या होगा, गलत ही बनेगा। तो फॉर करेक्ट कास्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन, द डिजाइन इंजीनियर यूज्ड फॉलोइंग गाइडलाइंस। मीन्स हम करेक्ट कास्टिंग करें, सही कास्टिंग करें, उसके लिए डिजाइन इंजीनियर जो होता है, जो डिजाइन बनाता है, एंड जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो कास्टिंग करता है, इन दोनों के लिए एक गाइडलाइंस होती है। इसको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि सबसे पहले डिसाइडिंग पार्टिंग लाइन, जब भी हम डिजाइन बनाते हैं या ड्राइंग बनाते हैं, तो हम पार्टिंग लाइन को सबसे पहले डिसाइड करेंगे। सेकंड पैरामीटर है ड्राफ्ट एंगल, थर्ड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थिकनेस, फोर्थ ग्रेजुअल चेंज इन सेक्शन, एंड फिफ्थ है डिजाइन ऑफ गेट्स। तो दीज फाइव पैरामीटर्स आर कंसीडर वाइल डिजाइनिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट फॉर सैंड कास्टिंग। तो सबसे पहले डिसाइडिंग पार्टिंग लाइन, मीन्स जो भी डिजाइन इंजीनियर होगा, उसको सबसे पहले पार्टिंग लाइन को प्रॉपर डिसाइड करना पड़ेगा। लोकेट द पार्टिंग लाइन्स ऑफ द मोल्ड इन द पार्ट्स। जब भी हम दो मोल्ड को असेंबल करते हैं कास्टिंग प्रक्रिया में, तो उसमें एक पार्टिंग लाइन होती है, जिसमें अपर मोल्ड बॉक्स अलग होता है और बॉटम मोल्ड बॉक्स अलग रहता है। तो ये पार्टिंग लाइन आपकी सही होना चाहिए। सेकेंड है ड्राफ्ट एंगल, द ड्राफ्ट एंगल ऑफ कास्टिंग पार्ट शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इजी रिमूवेबल ऑफ द पैटर्न विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड मोल्ड कैविटी। मीन्स जो ड्राफ्ट एंगल है, 1 से 3 डिग्री ड्राफ्ट एंगल प्रोवाइड किया जाता है कास्टिंग में। इस ड्राफ्ट एंगल से फायदा ये होता है कि जब भी हम मोल्ड कैविटी से पैटर्न को बाहर रिमूव करते हैं, तो जो उसकी कॉर्नर हैं, एज हैं, वो डैमेज ना हो, उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए स्मूथली हम पैटर्न के लिए इंसर्ट कर लें, रिमूव कर लें कैविटी के अंदर से। तो ये भी एक पैरामीटर से कि ड्राफ्ट एंगल 1 से 3 डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड है यूनिफॉर्म सेक्शन थिकनेस, अ यूनिफॉर्म थिकनेस कास्टिंग सरफेस कूल यूनिफॉर्मली। यदि हमारे जो सेक्शन है, जिसकी थिकनेस मोटाई यदि एक समान है यूनिफॉर्म, तो जब इसको हम होल्ड करके ठंडा करेंगे, तो यूनिफॉर्मली कूल होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर थिकनेस बहुत ज़्यादा है, कहीं पर थिकनेस बहुत कम है। तो यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए। इस तरह से आपको कैविटी प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिससे कास्टिंग में हमारी जो भी प्रोडक्ट बनकर रेडी होगा, उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म हो, ठीक। एंड यूनिफॉर्म थिकनेस से क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट नहीं होती, स्ट्रेस फ्री सरफेस होता है, स्ट्रेस फ्री कास्टिंग होती है। सो ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ कास्टिंग कंपोनेंट ऑल द सेक्शन शुड बी कीप यूनिफॉर्म। तो जब भी हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन के दौरान कास्टिंग कंपोनेंट की, हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे सेक्शन हैं, सभी सेक्शन एक समान थिकनेस के हों। फोर्थ है ग्रेजुअल चेंज इन सेक्शन। अब क्या होता है कि कई बार ये संभव नहीं हो पाता है कि हम सभी की थिकनेस है जो एक समान रखें, यूनिफॉर्म रखें। तो इस केसेस में क्या होता है, जो एरिया है कास्टिंग डिजाइन का,
इसको देन भी मेक द चेंज ग्रेजुअल, उसकी थिकनेस को हम ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, क्योंकि संभव ही नहीं है तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली जो थिकनेस है सेक्शन की उसको हम चेंज करते हैं। ठीक, फिफ्थ है डिजाइन ऑफ गेट्स, लोकेट एंड डिजाइन द गेट गेट्स टू अलाउ यूनिफॉर्म फीडिंग ऑफ मोल्टेन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी। मींस जो हमारे गेट होंगे, पोरिंग कप होगा, डाउन स्प्रू होगा, जिससे हमारा जो फीडिंग मोल्टेन मेटल जिससे हम भरते हैं पोरिंग कप में डाल के, ये यूनिफॉर्मली फीड होके हमारा कैविटी के अंदर जाए, तो ये जो गेट्स वगैरह हैं इनकी डिजाइन भी सही होना बहुत आवश्यक है। तो ये हमारी रूल्स भी इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट डिजाइन में सैंड कास्टिंग की, या इसको हम गाइडलाइन भी बोल सकते हैं, डिजाइन गाइडलाइन फॉर सैंड कास्टिंग। प्रोडक्ट डिजाइन सब्जेक्ट में 2022 एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।